Hi guys, so now I am going to sleep. देखिए गाइस आज मेरा स्किन कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अभी उठ के रहा हूँ। वीडियो फिल्म करेंगे, टिकटॉक फिल्म करेंगे। I'm gonna film a TikTok now. मजा कर रहे हैं। I was just you know like showing my cousin मेरा क्या बोलते हैं TikTok days का वीडियो, like they are so funny. I'm sure you guys don't want to see it. It's like literally so cringe. ये दुनिया है जनाब, ये दुनिया है जनाब। यहाँ टाइम पास करने वालों को प्यार मिलता है और प्यार करने वालों को धोखा। नहीं, जो लोग टाइम पास करते हैं वो लोग ओ। Hi guys, so it is 8:57 p.m. now. It's about to be 9 and today is 28th of August and the thing is I have a very busy week ahead. क्योंकि देखो अभी मंथ के स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा फिल्मिंग करना होता है विथ यू नो लाइक सम ब्रांड्स एंड ऑल्सो आई नीड टू फिल्म अ लॉट ऑफ वीडियोज़ इन जनरल एंड द थिंग इज मेरा जो फैमिली है ना वो लोग 31st ऑफ अगस्त में आ रहे हैं एंड देर गोइंग टू बी स्टेइंग एमटी में, तो मेरे को एमटी में जाना पड़ेगा एंड आई नीड टू बुक होटल, आई नीड टू यू नो लाइक बुक बस का भी, क्योंकि वी आर गोइंग टू धर्मशाला. ओके, सो वी आर गोइंग टू धर्मशाला क्योंकि ना हिज होलनेस की टीचिंग है, सो वी आर गोइंग टू बी अटेंडिंग दैट ओनली. तो वी आर वेरी एक्साइटेड, हम सब जा रहे हैं धर्मशाला एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बट द थिंग इज आई हैव अ लॉट टू डू, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ. सो अभी मेरे को मोटिवेशन आया बिकॉज आई जस्ट रिसीव्ड सवाना का पैकेज एंड इतना अच्छा पैकेज है ना कि आई एम लाइक आई नीड टू क्रिएट दिस होल वीडियो नाउ ओनली. सो आई विल ट्राई टू डू इट. पता नहीं कैसे आएगा, मतलब लाइट लॉग मेरे को नहीं पता, सो लेट्स ट्राई इट. और मैंने ना पता नहीं क्यों राइस भी बिठा दिया है, लाइक ओल्ड टाइम्स यू नो जब हम पहले नॉर्थ दिल्ली में रहते थे ना विथ फ्रेंड्स ऐसा, तब हम रात को कितना 12 बजे फिर 1 बजे ऐसे हम खाना बनाते थे. सो टुडे आई जस्ट वांट टू हैव लाइक राइस एंड ऐसा नॉर्मल सब्जी होते ना लाइक आलू सब्जी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई मेकिंग इट, लेट्स सी. शायद मन नहीं भी कर सकते, अभी तो मैं रेडी हुई हूँ सो दैट आई कैन यू नो लाइक वर्कआउट. आई वॉन्ट टू डू कार्डियो थोड़ा, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खास ऐसा वॉकिंग किया नहीं है आज. उसके बाद मैं नहाऊंगी एंड देन आई विल स्टार्ट फिल्मिंग माय सवाना हॉल. सो आई जस्ट शावर्ड गाइस एंड आई एम लिटिल हंग्री नाउ बिकॉज आई जस्ट वर्कड आउट, बट या आई एम गोना डू सम फिल्मिंग नाउ एंड उसके बाद मैं देखूंगी. ओके गाइस, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस एंगल. ओह, आई कैन सी माय चेयर. ओके, नाउ इट्स फाइन. कर्टन सही नहीं लग रहा. My room is actually very messy, but I'm going to clean tomorrow. क्योंकि आज मैं पूरा दिन घर में था ही नहीं और कल जाते वक्त लाइक मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा रेडी करना था, तो जब भी रेडी करते तो पूरा सामान यहाँ से वहाँ वहाँ हो जाते हैं. आई एम प्लानिंग टू टर्न ऑन ए सी बिकॉज थोड़ा सा तो गर्मी है, बट आई डोंट वॉन्ट ए सी का नॉइस. और मेरा रिमोट थोड़ा ख़राब हो गया है, बट शुड वी ट्राई इट और शुड आई जस्ट. ओके, I need to get some screenshots. Girl, if I can play the guitar, 널 위한 곡을 수천 개는 더. 아마도 앨범을 한 다섯 장은 내지 않았을까. 네가 내 가사가 되면. Then I'll be the one to love you. AI.
Good morning, guys. It is a new day, so let's just say that it's a beautiful day. It's actually not morning now. It is 2 p.m. and it's not like मैं अभी उठी हूँ. I woke up सुबह only, but I was getting done some work. जैसे कि मेरे को कस्टमर केयर में बात करना था ब्लू डार्ट का. दे आर द वर्स्ट, कसम से बहुत बकवास है. Hi guys, good morning. So it's a new day, so let's just say that it's a beautiful day. I'm having one toast only for breakfast because I'm going to meet Sean now. So what happened is, why we're meeting today, there's a reason. Actually hum ja rahe Blue Dart ke office mein because they haven't delivered the package yet, aur mereko itna gussa aa raha hai kyunki it was supposed to be delivered by kitna, like 5 din pehle deliver karna tha, तो अभी तक भी नहीं आया. एंड लाइक दैट्स रियली पिसिंग मी ऑफ. तो आज हम जाएंगे ब्लू डार्ट के ऑफिस में एंड आई वाज गोइंग टू गो बाय माई सेल्फ, यू नो. तो शोन ने कहा कि आप लोगों को देख के तो और भी नहीं देगा, मतलब ऐसे लड़कियों को देख के ना, बिकॉज ही सेड दैट ही हैड पहले भी ऐसा एक्सपीरियंस्ड विद देम. सो दैट्स वाई शोन इज कमिंग विद मी. तो वो इतने दूर से आ रहे बेचारा, सो आई एम गोइंग टू ट्रीट हिम इन अ गुड कैफे. इसलिए मैं सिर्फ एक टोस्ट ही खा रही हूँ. लाइक आई एम हैविंग ओनली वन टोस्ट. दिस इज नॉट अंडा टोस्ट गाइस. इसमें ना मैंने डाला है बस बटर में मैंने टोस्ट किया है और ऊपर से मैंने क्रीम चीज, मेरा क्रीम चीज अच्छा थोड़ा हार्ड हो गया था इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल देते, पूरा मेल्ट हो गया. सो आई एम हैविंग दिस. Hi guys, so I am back home and let me show you all what I got from Vishal. So here is my bag. सबसे पहले तो I got to put rice या other thing. Like फिलहाल तो मेरे पास है मतलब rice रखने के लिए, but I want this so that I can keep like something else. अगर कुछ भी मैं future में लेती हूँ then I can store it here. And I also got this guys, it's so pretty. Print itna zyada sundar hai, itna aisa cottage wala vibe de raha hai, that's why I got this one. It's so pretty. And I got another thing for myself. Maine na khud ke liye bahut kam liya hai. Here's the another one. This I got for 100 rupees aur maine ye isliye liya hai taki main isme apna pura tea na, mere paas jitna bhi tea hai main sab iske andar nikal ke rakh sakti hu. It will look good, so I got that. And I got another thing for myself. Yeah, I got this guys, hand towel. क्योंकि मैं हमेशा कुछ भी करके ना ऐसे पीछे साफ कर देती हूँ. So I got this one. This was again for 100 rupees. If I'm not wrong, it was for 109 rupees. I also got this for myself.
आई यूज इलेक्ट्रिक टूथब्रश बट कभी कभी मेरे को मन करते कि ऐसा रेगुलर वाला यूज करूँ सो आई गॉट दिस वन. नाउ हियर आर सम क्लोथ्स दैट आई गॉट फॉर माई कजिन. आई एम गोइंग टू मीट हर टुमारो एंड आई एम सो एक्साइटेड, लाइक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो मैं आपको ना फटाफट से दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है. सबसे पहले तो मौसम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि विल बी हियर इन दिल्ली ना, उसके बाद हम धर्मशाला जाएंगे तो धर्मशाला का मौसम मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा है. सो जब तक दिल्ली में है तब तक यू नो ऐसे गर्म में पहनने के लिए. इट्स इन अ वेरी प्रिटी सा प्रिंट, एक तो ऐसा लव लव है और एक सिंपल सा है, सो दिस इज नाइस, आई लाइक इट. विशाल के कपड़े ना मेरे को बहुत अफोर्डेबल लगते हैं, दैट्स व्हाई आई लाइक टू गो शॉपिंग देयर फॉर किड्स यू नो, क्योंकि बच्चों का कपड़ा ना बहुत अच्छा मिलते हैं वहाँ. एंड हियर इज अनदर वन, इट्स अ सेट, ये अभी ऐसा ऊपर में पहनने के लिए. आई होप दिस विल फिट हर यार, वो ना थोड़ा पतली है सो मेरे को लग रहा है कि फिट हो जाएगा. द कलर इज सो गुड एंड ऐसा जब भी बस में ट्रेवल करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होगा. एंड हियर इज अनदर वन, आई गॉट दिस सुंदर सा फ्रॉक, पीछे में बटन है एंड यू ऑल्सो हैव दिस टू टाई, इट्स सो क्यूट यार, मेरे को अच्छा लगा. एंड आई ऑल्सो ऑर्डर्ड अ बैग फ्रॉम अमेज़ॉन, वो भी आई थिंक फर्स्ट को आएंगे बट टुमारो इज 31st, तो मैं पहले मिल लूंगी. एंड हियर इज द मोस्ट क्यूटेस्ट वन एंड इट इज अ स्वेटर, ये स्वेटर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. एज आई मैंशन कि वेदर का समझ नहीं आ रहा तो हम धर्मशाला भी जाएंगे, उसके बाद वी मे गो टू अदर द प्लेसेस ऑल्सो, सो ठंडा हो सकते पहाड़ में. तो या दिस इज सो क्यूट यार, काश मेरे साइज में भी होता. आई डोंट नो वेदर इट विल फिट और नॉट, यहाँ लिखा है 12 to 24 months, शी इज 4 years old. एंड हियर इज अनदर वन, ये मेरे को ना देखते ही पसंद आ गया था क्योंकि ये बहुत क्यूट लग रहा था, बट बाद में आई वॉज थिंकिंग यू नो शुड आई गेट दिस और नॉट, क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा प्रिटी लगा, बट देन आई गॉट बोथ ऑफ देम. एंड हियर इज अनदर वन, इट इज सो क्यूट, ये देखिए गाइस लाइक पूरा लव लव है और इतना क्यूटी है ना, लाइक आई कैन लिटरली इमेजिन हर. आई होप दिस विल फिट हर, मेरे को लग रहा है कि फिट हो जाएगा. आई ऑलवेज लाइक आई बोल यू नो कि हो जाएगा, शायद से हो जाएगा एंड हो ही जाता है. एंड हियर इज अनदर वन, दिस इज ऑल्सो सो क्यूट यार, काश ये मेरे साइज में भी होता. इट्स जस्ट अ रेगुलर पैंट यू नो ऐसा स्ट्रेट फिट वाला, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होगा क्योंकि ये स्किन में ऐसे चिपक के नहीं बैठेगा और इसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इट्स लाइक क्वाइट थिक. सो लेट्स सी शी लाइक इट और नॉट, आई एम श्योर शी लाइक इट. एंड या लेट्स अनबॉक्स माई भैया का जूता, दिस इज फ्रॉम सुपर किक्स. मैंने तो ना रिव्यू भी इतना खराब दे दिया ब्लू डार्ट को क्योंकि वहां जाके भी वो मेरे को ही कह रहे कि ओके सो हियर इट इज. मैंने इसलिए अनबॉक्स किया है क्योंकि भैया ने मेरे को फोटो भेजने को कहा है. दिस इज माई ब्रदर्स बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम माई साइड. मेरा भैया का बर्थडे है ऑन 15th of September, सो या लेट्स सी कि ये कैसा है. ओह वाओ दिस इज सो प्रिटी, इट्स सो प्रिटी, तो सुंदर है ये. ओके सो आई विल सेंड पिक्चर टू माई ब्रदर एंड आई विल सी यू गाइस लेटर, बाय. देखो इससे लाइट जब कम होगा ना तब ज्यादा दिखेगा. इतना तो पागल हो गया ना.
یادی مکانی خوردال منم منو می بیسارهی یاره لگاری تو.